हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स। आज हमारी राइड का डे 4 है और अभी हम हैं कुंभलगढ़ में और ये है फॉरेस्ट रिट्रीट रिसोर्ट। वन होटल्स का चयन है तो वी आर रेडी टू राइड। हम जा रहे हैं अभी, आई थिंक चित्तौड़गढ़ जाएंगे अभी और रात को हमारा स्टे होगा कोटा में। तो हमने पैकिंग कर ली है, जस्ट अभी मैप लगा लेता हूँ। दोस्तों आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यहाँ से है 150 किलोमीटर और समय हमें लगेगा लगभग 3.5 आवर्स। अभी जो समय हुआ है वो हुआ है लगभग 9:15 बज चुके हैं सुबह के और हमें लगभग 1 बजे तक हम चित्तौड़गढ़ पहुंच जाएंगे और वहां पे देखते हैं अगर 2-3 आवर्स अगर हम घूम पाए तो हम एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को और विजय स्तंभ है। उसके बाद वहां से हम निकल जाएंगे कोटा को। आज की प्लानिंग है हमारी कोटा की, कोटा में स्टे करेंगे, नाइट स्टे हमारा कोटा में है। अभी वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, पूरा हिल स्टेशन का एहसास हो रहा है यहाँ पे। तो सुबह शाम बिल्कुल ठंडा ठंडा रहता है। ये थोड़ा हाई पे है जो कुंभलगढ़ सबसे ऊंची पहाड़ी पे बसा हुआ है कुंभलगढ़, और साथ में झील है तो जिस वजह से काफी वेदर प्लेजेंट रहता है यहाँ पे। तो एक बार तो कुंभलगढ़ घूमना बनता है। यहाँ पे वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट वॉल है और इसको देखना भी बनता है और ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और चित्तौड़गढ़ की विशेषता यही है कि वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है वो। फ्रेंड्स ये कोई नादवारा टाउन है जो कि कुंभलगढ़ से इसकी दूरी 50 किलोमीटर होगी और हमें जो समय लगा है मोर देन 1 आवर लग गया है, रोड काफ़ी ख़राब थी। तो यहाँ पे हम अपनी बाइक को रिफ्यूलिंग कराएंगे क्योंकि लगभग मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी नथु द्वारा एक प्लेस है, वहाँ से जो गांव वाला स्टेट हाईवे ख़त्म हो गया है और अब हम नेशनल हाईवे पे आने वाले हैं और मैंने पेट्रोल फुल करवा लिया है टैंक और अभी भी मोर देन 2 आवर्स का समय बता रहा है गूगल ने दोबारा किसी गांव में डाल दिया। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हाईवे पे आ गया। अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ के रास्ते पे और चित्तौड़गढ़ यहाँ से है लगभग 60 किलोमीटर और हमने 90 किलोमीटर कवर कर दिया है। जयपुर यहाँ से 369 है। हम जा रहे हैं अभी चित्तौड़गढ़ और वहाँ पे देखते हैं फोर्ट एक्सप्लोर करेंगे और विजय स्तंभ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम कोटा की तरफ निकलेंगे। अभी फर्स्ट ब्रेक लिया है हमने, कंटिन्यू हम बाइक राइड कर रहे थे, बीच में एक बार पेट्रोल भरवाया था बस, और रास्ता बहुत ही ख़राब मिला, अभी तक कोई साफ रास्ता नहीं मिला। इतना टोल रोड के अलावा इंडिया में कोई साफ रास्ता नहीं मिलेगा मैं आई थिंक। चलो चलते हैं आगे 60 किलोमीटर। दोस्तों वी आर रीच्ड इन चित्तौड़गढ़ सिटी। भी हम आगे जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, उससे पहले खाना पीना कुछ खाएंगे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे और ये पहला पोल है, पाडल पोल या पहला गेट भी कह सकते हैं, और मेरे राइट हैंड पे ये देखिए ऊंची ऊंची दीवारें। दोस्तों हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंटर कर लिया है। इसकी लगभग 40 रुपीज की टिकट है एंट्री की। अपना इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फोर्ट है और कहते हैं कि ये सभी फोर्टों का राजा कहलाता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दोस्तों एंट्री करते ही सबसे पहले हमें कुंभा महल मिलेगा देखने को। जब खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया था तो पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को तहस नहस कर दिया था, तो राणा कुंभा द्वारा इस फोर्ट को रीबिल्ट किया गया था। तो ये राणा कुंभा का महल आता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे औरतों के लिए अलग कमरे हैं, आदमियों के लिए अलग कमरे हैं, लेकिन इस टाइम बिल्कुल जर्जर हो चुका है, सिर्फ आपको खंडहर ही नजर आएगा।
चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम बाइक से ही पूरे को फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा मैं बता देता हूँ हिस्ट्री इसकी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट में शुमार है। इस फोर्ट को 7th सेंचुरी में चित्रंगन मौर्य द्वारा बनाया गया था। टोटल 52 राजाओं ने इस फोर्ट पे राज किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो अटैक हुआ था वो 1303 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। समय के रतन सिंह राजा होते थे। रानी पद्मावती बहुत ही खूबसूरत थी जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे अटैक किया और काफी समय तक घेराबंदी करने के बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राणा रतन सिंह जी मारे गए और उसके बाद इस फोर्ट में जौहर हुआ। टोटल 16,000 औरतों ने जौहर किया इंक्लूडिंग रानी पद्मावती द्वारा। एक थान है जहाँ पे जौहर कुंड कहते हैं, वहाँ पे आग लगा के सभी लेडीज उसमें समा गई थी और टोटल 3 जौहर हुए हैं यहाँ पे। एक 1535 में जौहर हुआ था जब बहादुर शाह जो गुजरात के सुल्तान थे उन्होंने इस किले को जीता था। रानी कर्णावती ने 13,000 तो महिलाओं के साथ यहाँ पे जौहर किया था 1537 में दूसरी बार। यहाँ पे दोस्तों तीसरा जौहर हुआ था 1568 में अकबर ने जब हराया था रानी फूल कवर के द्वारा 9,000 महिलाओं के साथ। यहाँ तीसरा जौहर हुआ था तो मैं आपको जौहर स्थल दिखाऊंगा अभी और ये सामने है विजय स्तंभ। चलते हैं अब। अभी आप देख रहे हैं विजय स्तंभ और जौहर स्थल। इस जौहर स्थल पे रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी फूलकवर ने लगभग 48,000 महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था और ये 40 फुट गहरा स्थल था। लेकिन भारत सरकार ने इसको एक ग्राउंड बना दिया है और हर 19 मार्च को यहाँ पे जौहर मेला लगता है। बहुत ही खतरनाक इतिहास है इस चित्तौड़गढ़ का। अपनी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पे सभी महिलाओं ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। ये है गौमुख और ये जो तालाब है इसमें 12 मास पानी रहता है और ये पूरी सिटी देखो। ये बिल्कुल हम ऊंचाई पे खड़े हैं चित्तौड़गढ़ की और उसके बाद ये सिटी नीचे चित्तौड़गढ़ की और ये चित्तौड़गढ़ का किला है और मेरे पीछे ये मंदिर है, भव्य मंदिर है समाधीश्वर मंदिर। दोस्तों ये राजा भोज द्वारा बनाया गया 11th सेंचुरी में मंदिर है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है और इसमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है। तो ये मंदिर को तोड़ दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसको रीबिल्ट 1428 में किया गया राजा मोकल द्वारा। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ जो कि महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात को हराने की खुशी में ये विजय स्तंभ बनाया था। ये बहुत ही शानदार नक्काशी का नमूना है। ये पूरे मतलब कि ये 9 मंजिल है इसकी और हर मंजिल पे भगवानों की मूर्ति कला इसमें स्थापित की हुई है और ये विष्णु भगवान को समर्पित है स्तंभ और इसमें सीढ़ियां लगी हुई है। आप 9वीं मंजिल तक जाके ऊपर का पूरा चित्तौड़ का दृश्य देख सकते हैं। उसकी अलग चार्जेस। तो ये जो स्तंभ है ये 120 फीट लंबा स्तंभ है और चित्तौड़ में सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, महारानी पद्मावती का महल है, महाराणा कुंभा का महल है और भी इस तरह काफी अच्छी जगह देखने को है। दोस्तों ये जो राइट साइड पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है जयमल और पत्ता की हवेली जिन्होंने बादशाह अकबर से युद्ध किया था और वो हार गए थे। ये तीसरा युद्ध हारे थे चित्तौड़ और जिसमें रानी फूलकवर ने जौहर किया था। अब हम आगे चलते हैं और अब हम कुछ यहाँ के फेमस टेंपल को देखेंगे। यहाँ का फेमस टेंपल है कालिका मंदिर, मीरा बाई टेंपल, 27 देवरी टेंपल, श्याम टेंपल और शंकर महादेव टेंपल, जैन टेंपल और इस तरह काफी फेमस टेंपल है, हम देख लेते हैं। दोस्तों ये है कालिका टेंपल जो कि 8th सेंचुरी में बनाया गया था। ये बहुत ही प्राचीन टेंपल है लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी तोड़वा दिया था, इसका अपर पार्ट पूरा तोड़ दिया गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं 27 देवरी जैन टेंपल। 27 का मतलब है 27। इस जैन मंदिर में 27 देवरियां हैं और इस मंदिर की कलाकृति या मूर्तिकला देखने योग्य है। आपको राजस्थान में जैन मंदिरों की भरमार मिलेगी। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं वो है कुंभा श्याम मंदिर। यह एक विष्णु
को समर्पित मंदिर हैं जो यहाँ 12 अवतार में पूजे जाते हैं। दोस्तों कुंभ श्याम मंदिर के साथ में मीराबाई का मंदिर भी है जो आप देख रहे हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और मीराबाई ने अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण के भजन और गीतों में बिताया था। मीराबाई की पिक्चर आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगी। इस मंदिर का निर्माण महाराणा संग्राम ने अपनी पुत्र वधु मीराबाई के विशेष आग्रह पर किया था। यह चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभा मंदिर के बिल्कुल निकट है। मंदिर की वास्तुकला चित्तौड़गढ़ में स्थित कालिका मंदिर के समान है। इस सुंदर मंदिर में ऊंची छत पिरामिड के आकार का स्तंभ है, जबकि फर्श पर मीरा जी के गुरु वाराणसी के संत रविदास के पद चिन्ह हैं। मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं के सुंदर चित्र हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ फोर्ट का व्लॉग आपको दो पार्ट में मिलेगा। ये इस व्लॉग का पहला पार्ट है। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, ऑलवेज राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। बाय बाय।